उधर राज्य में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने सीआईएसएफ कैंपस में 272 फ्लैटों की सौगात जवानों और अधिकारियों को दी है। 60 करोड़ की लागत से फ्लैट का निर्माण होगा और इसके तैयार होने से सीआईएसएफ जवानों को रहने के लिए कैंपस परिसर में ही आवास की सुविधा मिल सकेगी। इस मौके पर मंत्री ने कहा है कि देश में सुरक्षा संबंधित अलग अलग तरह की चुनौतियों का सामना करते रहते हैं ये जवान और सरकारी संस्थाओं, कल कारखानों और अन्य जगहों पर खतरे की आशंका बनी रहती है। मंत्री ने कहा कि पिछले 7-8 सालों में सीआईएसएफ ने खुद में काफी सुधार लाया है जो सराहनीय है। इस दौरान विधायक सीपी सिंह, नवीन जायसवाल सहित सीआईएसएफ और पुलिस के कई अधिकारी मौजूद थे। तो ऐसे सारे बल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि देश की सुरक्षा और देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इनके रहन सहन के लिए जो भी सुविधाएं, आज ये 272 फ्लैट्स का यहाँ पर लोकार्पण किया गया है। झारखंड जो है वो बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश है और इस प्रदेश 15 नवंबर को हमारे प्रधानमंत्री जी ने मंत्रिमंडल में एक निर्णय करके 15 नवंबर 1875 को भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था, उसी 15 नवंबर को प्रत्येक वर्ष हम जनजाति गौरव दिवस के रूप में पूरे देश में मनाएंगे और एक राष्ट्रीय त्यौहार का दर्जा उसको दे करके इस मूवमेंट की बात है उस पर लगातार आपने देखा होगा 8 सालों में बहुत कमी आई है और धीरे धीरे हम सफलता की ओर बढ़ रहे हैं, बहुत जल्दी उस पर नियंत्रण। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।